हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एवरीथिंग बायो बाय मैं हूं सुष्मिता आपकी एडुकेटर और नीट आने वाला है राइट right? नीट आ गया है एक्चुअली दरवाज़ा खटखटा रहा है तो नीट 2023 ट्वेंटी थ्री आज है फोर्टीन मार्च ट्वेंटी थ्री को नीट होने वाला है कब सेवेंथ मे राइट तो यू हैव फिफ्टी डेज 50 डेज टू रिवाइज़ योर कंसेप्ट एंड ऑल्सो uh, हम मैं यहाँ पे एक uh, मतलब सीरीज़ लेके आ रही हूँ क्योंकि मेन आपका फोकस होता है एन क्योंकि लास्ट जो ये बचे कुछ दिन हैं यहाँ पे गलती नहीं करनी है एन को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है है ना तो एन को तो मिस करना नहीं है तो मैं इसके साथ जो uh, हर एक चैप्टर को मैं किसी भी चैप्टर को नहीं छोडूंगी क्योंकि हर वो पन्ना इम्पोर्टेंट होता है एन का कहाँ से कब क्वेश्चन दे दे आपको पता नहीं चलेगा तो मैं कोई भी पन्ना नहीं छोड़ने वाली हूँ और इसके साथ साथ एक एक चैप्टर के बाद हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और अगर आप चाहते हैं तो मैं आ, कुछ हंड्रेड जो मोस्ट यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसके बारे में भी प्रैक्टिस करवाऊंगी या तो फिर उस टॉपिक को पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं उसको भी लाने की कोशिश करूँगी ठीक है तो बिना किसी आ, देर के शुरू करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करने वाले हैं ठीक है एक के बाद एक चैप्टर वन चैप्टर टू ऐसा करके ही चलेगा एक सिंक्रोनाइज वे में चलेगा ताकि आपको भी देखने के लिए या तो फिर ढूंढने के, के लिए लेक्चर ढूंढने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है मैं एक के बाद एक रोज आपको एक एक चैप्टर करके आ, एक एक चैप्टर नहीं टोटल तो तो अगर चैप्टर एक साथ डालूंगी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो एंड आप बोर हो जाओगे आधा देख के फिर छोड़ दोगे तो दो पार्ट में या तीन चार पार्ट में आ, जैसा लेंथ होगा चैप्टर का वैसे खत्म करूँगी ठीक है तो बने रहिए अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी थिंग इन द कमेंट सेक्शन ठीक है मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ और आ, अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर के सपोज लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे हो रहा है ये तो लिविंग वर्ल्ड का वीडियो है तो आपको अगर कोई दूसरे चैप्टर का कोई टॉपिक पढ़ना है आप वो भी बता सकते हैं मैं कवर कर दूँगी ठीक है डिटेल्स में कवर कर दूंगी डिटेल्स में अगर पढ़ना है हालाँकि मैं तो हर एक चैप्टर को ही खत्म करूंगी तो देखते हैं चैप्टर वन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर वन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग देखो ये चैप्टर बहुत सारे लोग छोड़ते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन यहाँ से भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा कर पढ़ लेते तो हो जाता ठीक है तो किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है कहीं पे भी किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है हर वो चीज़ समझना है और उसको फॉलो करना है इसको आप एज अ रिविजन भी ले सकते हैं क्योंकि फुल्ली इट विल बी फोकस्ड ऑन एन सी आर टी मैं डिटेल्ड लेक्चर भी लाऊंगी लेकिन वो बाद में फिलहाल हम लोग सिर्फ एनसीआर टी को टोटली फोकस करेंगे क्योंकि एग्जाम है है ना चलो सो वॉट इज लिविंग वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वीनियंटली लुक फॉर डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism hai na to agar matlab living or non living ka difference hi kya hai living or non living ka difference kya hota hai ki hum log jante hain ki kis mein jaan hai aur kis mein nahi hai right तो living का मतलब क्या है living जो organism है वहां पे जान रहेगी और जो non living है उसमें कोई जान नहीं होती है बेजान होती है हम्म ये तो हो गया एक सिंपल सा फंडा जिसको हम लोग नॉर्मल देख के ही बता सकते हैं नाउ देर आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक इन साइंटिफिक वे कि कैसे हम लोग दोनों चीज़ को जो लिविंग uh, है और नॉन लिविंग है इन दोनों चीज़ को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है तो वो कुछ कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है कुछ कुछ कैटेगरीज को वहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है उसको देखा गया है कि हाँ ये कैटेगरीज में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट ग्रोथ मतलब नॉर्मल ग्रोथ होना बढ़ना ठीक है रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट मतलब कॉन्शियस सब कॉन्शियस ये जो मतलब ये खतरा है या तो फिर यहाँ पे अटैक होने वाली है ये सब चीज जो सेंस कर पाता है एबिलिटी टू सेंस द एनवामेंट And mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, <coughs> interact, and emerge to this list. Okay, so self-growth, reproduction, ability to sense, he इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन का क्षमता होती है सेल्फ ऑर्गेनाइज का आ, एक आ, मतलब हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं इंटरेक्शन करने के क्राइटेरिया देखते हैं और उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ चीज़ है जो कि हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इंक्रीज इन मास And increase in number of individuals are twin characteristic of growth. देखो all living organisms grow. ये line true false में अगर आ गया तो आपको ये अच्छे से याद रखना है obviously. तो ये सब लाइन कभी कभी दे देते हैं और तो आप सोचते हैं कि नहीं ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो एक एक लाइन एन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristic of growth. A multicellular organism grows by cell division. So अब अगर हम लोग कोई भी आ, कोई भी living organism को देखते हैं, भले ही वो multicellular हो, भले ही वो unicellular हो, growth तो हम लोग देखते ही हैं, ठीक है? In plants अब दोनों त, दो तरीके की ग्रोथ होती है एक होती है जो कि प्लांट में हम लोग देखते हैं दूसरा होता है एक एनिमल में देखते हैं प्लांट में क्या होता है दिस ग्रोथ बाय सेल ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन मतलब जब तक वो प्लांट जिंदा है तब तक वो बढ़ता रहेगा ठीक है उसके साथ इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज ठीक है अब एक प्लांट को एक पौधे को आप लगाए हो ठीक है आ, प्लांटेशन हुआ है तो उसके बाद वो प्लांट बड़ा होते 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 बहुत मतलब उसका हाइट का कोई अंदाज़ा नहीं होता अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है हवा पानी सब कुछ मिल रहा है तो वो बढ़ता रहेगा लेकिन आपका ग्रोथ तो वैसे नहीं होता है ना बीस बाईस तेईस साल के बाद इंसान का ग्रोथ कम हो जाता है मतलब आ, कम हो जाता है इन द सेंस वो एक स्टैगनेंट वे में चला जाता है उसके बाद आप नहीं बढ़ते ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान बढ़ते 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 एक टू स्टोरी बिल्डिंग के जैसा हो गया ठीक है उसको कितना भी खाना खिलाओ कितना भी बहुत कुछ सेल्फ केयर कर रहा है तो वो बढ़ता ही गया ऐसा कभी नहीं होता है है ना ये तो हो ही नहीं सकता तो हाँ बढ़ते हैं वो फैट बढ़ती है वो अलग चीज़ है डिजीज भी बढ़ती है अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं एंड स्टफ सो नाउ हाउ एवर सेल्फ इन एनिमल्स दिस ग्रोथ सीन अप ओनली अप टू सर्टेन एज तो एक एज के बाद ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है नहीं बढ़ती है हाउ एवर सेल डिजन ऑकर्स इन सर्टे टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ड सेल्स यूनिसेर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिविजन वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप्स तो यूनिसर ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं हाँ तो यूनिस ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों तरीके की ग्रोथ हुआ एक हुआ है प्लांट में और दूसरा है एनिमल में ठीक है प्लांट में हम लोग क्या देख रहे हैं प्लांट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनफाइनाइट हो रही है है ना इसका कोई ये सेल डिविजन कंटिन्यूअसली हो रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन और एनिमल्स में क्या होता है ये एक सर्टेन एज तक होती है ओके okay? तो ये एक सर्टेन एज तक होती है उसके बाद ये नहीं होता तो और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन कभी कभी देखो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन काइंड ऑफ सेम का होता है क्योंकि वहां पे नंबर भी इंक्रीज होता है और ऐसे इन जनरल बढ़ता भी है साइज में भी बढ़ता है ठीक है तो यूनिस ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन इनविट्रोकल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है तो वही मैं बोल रही थी कि यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है अगर हम लोग यूनिसोलर का देखते हैं यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा ग्रोथ जो होगी वो दोनों चीज से होती है ठीक है एक तो नंबर से बढ़ती है एक नंबर से बढ़ती है और एक साइज से भी बढ़ती है ठीक है तो ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर से भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ एक साइज से भी बढ़ रही है नाउ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ तो अगर आप कोई भी पहाड़ को मतलब जैसे कि हम लोग क्लास नाइन टेन में जोग्राफी में पढ़े ठीक है कि पहाड़ कैसे हुआ था मतलब धीरे 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 एक धूल की लेयर जमते 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 वो एक बड़ा सा होता है ठीक है मतलब उसका साइज बढ़ता है और तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होती है इफ़ यू टेक increase in the body mass as a criterion for growth mountains boulders, sand mounds do grow, right? however this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface मतलब धूल मिट्टी जमने के बाद धीरे-धीरे धीरे-धीरे ये growth growth हो रही है layer by layer लेकिन हमलोगों का जो होता है वो अंदर से होता है, right? ये जो हो रही है ये तो accumulate हो रहा है एक layer है फिर उसके ऊपर और एक लेयर है फिर दूसरा लेयर है तो ये लेयर बाय लेयर इसकी ग्रोथ हो रही है तो ये बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है लेकिन हम लोगों का जो होता है ग्रोथ वो इन जनरल इंट्रेंसिक होती है नाउ टेकन बाय डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो ओके तो देखो <coughs> दो चीज हो रही है यहाँ पे कि हम लोग ग्रोथ को किस कंडीशन में ले रहे हैं ग्रोथ एक नॉन लिविंग का भी होता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी होता है है ना तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अलग है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एनिमल्स का ग्रोथ पैटर्न अलग है प्लांट्स का ग्रोथ पैटर्न अलग होती है ओके okay? reproduction likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism reproduction refers to the production of progeny processing possessing features more or less similar to those parents. Invariably and implicitly we prefer, uh, refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also, and fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores by, uh, they uh, produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria, that is flatworm, we observe true regeneration. That is, a fragmented organism regenerated, re regenerates the large part of its body and becomes a new organism. Deekho, yahan pe <coughs> अगर मैं आपको अभी बहुत ज्यादा के बारे में या तो फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है तो तो वी विल टेक दिस एज इसके बारे में डिटेल्स में डिटेल्स तो हम लोग बाकी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे है ना अभी सब पढ़ लेंगे तो बाकी के नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सो so, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्शन के कुछ प्रोसेसेस बताए हैं ठीक है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे आ, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल सेक्शुअल और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई स्पोर्ट फॉर्मेशन करती है कोई बडिंग बडिंग के थ्रू होता है ईस्ट एंड हाइड्रा का अलग होती है प्लेनेरिया में क्या होता है रीजनरेशन होता है अगर एक अगर फ्रैगमेंट हो गया तो उस फ्रैगमेंट से नया कुछ रीजनरेट हो जाता है राइट दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन नाउ रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म suppose this is the um, one second yeah suppose this was the part uh, matlab ye ek earthworm tha obviously main uh, ekdam seedha ek line just khichi hu to ye agar somehow ये क्रॉस हो जाती है ठीक है ये अगर टूट जाती है मैं ऐसा करके नहीं या, ये अगर यहां से अगर ये टूट गई ठीक है टूट जाने के बाद क्या होता है दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग बन जाएंगे दोनों अलग अलग बन जाएंगे और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ यही छोटा टुकड़ा बाद में यही छोटा टुकड़ा बाद में क्या होता है ये एक बड़ा अर्थव जैसा बन जाता है ठीक है so, सो <coughs> फ्लैट फॉर्म जैसा बन जाता है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड रिजेनरेशन मतलब आपका समहाउ कहीं पे चोट आई या तो फिर वो जगह टूट गया तो उसी छोटे चीज से पूरे बॉडी का रिजनरेट होता है रिजेनरेशन इसी को बोलते हैं द फाई द फिलामेंटस एल्गी जी एंड The protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. So, conc fragmentation ke through multipli uh, multiplication multiplication uh, the fungi, the filamentous algae, protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, रिप्रोडक्शन इज सिनि नंबर और amoeba, growth, in in तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वाले जो पैसेज था इसके ऊपर का ही जो पैसेज था ग्रोथ का वहां पे हम लोग बोले हैं कि सेल नंबर और सेल मास दोनों में ही हम लोग ग्रोथ को देखते हैं अगर यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म हो तो वहां पे हम लोग सेल नंबर को भी काउंट कर लेते हैं है ना अंडर द माइक्रोस्कोप अगर नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो साइज में बढ़ दी है लेकिन अगर यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम लोग एक से जब दो हो रहा है दो से चार चार से आठ आठ से सोलह तो हम लोग उसकी नंबर ऑफ सेल को काउंट कर रहे हैं और उसको भी हम लोग ग्रोथ बोल रहे हैं तो एक में मास की आ, मतलब साइज हो रही साइज बढ़ रही है ठीक है ओवरऑल साइज बढ़ रही है और एक में क्या हो रहा है नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है दो टर्म्स को लेके कि एक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्योंकि नंबर्स कब बढ़ता है रिप्रोडक्शन होती है तब नंबर्स बढ़ता है राइट right? तो so, यहाँ पे यूनिसोलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये दोनों टर्म काटाइल ह्यूमन कर्पज एटसेट्रा हेन्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लीकेटिंग बाई इट सेल्फ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज अनादर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली आपकी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ठीक है वही प्रोड्यूस करने का जो पाथवे के थ्रू मतलब एक एक्सपेरिमेंट होती है आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं राइट तो आपके बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलती रहती है एक्सपेरिमेंट्स नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस चलती रहती है तो इसी रिएक्शंस का रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है मतलब कुछ रिएक्शन हुआ है तो उसी रिएक्शन होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी को खर्च करके मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ठीक है और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी हम लोगों की बॉडी ने खुद प्रोड्यूस किया था और उसी एनर्जी को हम लोग अभी थोड़ा 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 स्पेंड करके अपना काम चला रहे हैं और ये चलता रहता है जब से बर्थ होती है तब से लेके मौत की आखिरी सांस तक तब तक ये चलती रहती है मेटाबॉलिज्म का क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो लाइफ चल रही है ठीक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स सब केमिकल्स से ही बने हुए हैं हम लोग ठीक है दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस फंक्शंस एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू समर बायोमोलिक्यूल्स दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस देर आर था इन साइड ऑर्गेनिजम्स तो धीरे धीरे जैसे ही आप फोटोसिंथेसिस के बाद जैसे मतलब उस रेंज में जाएंगे प्लांट के जो पोर्शन है बॉटनी के जो पोर्शन है जब पढ़ेंगे तब तो आपको तो ऑलरेडी पता ही है आप तो ऑलरेडी पढ़े हैं क्योंकि एग्जाम बस आने ही वाला है तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे पाथवेज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है जो कि हम लोग के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइट तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलती है और ऐसे पाथवे चलती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है ताकि वो बॉडी फंक्शन कर पाए बी दे यूनिसर और मल्टीसोलर मल्टीसोलर हो या यूनिसेरुलर हो फ़र्क नहीं पड़ता वो काम हर वो ऑर्गेनिज्म में होती है नाउ ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जीबिट मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जीबिट मेटाबॉलिज्म ये कभी भी कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है हालांकि वो भी केमिकल से बने हुए रहते हैं है ना पूरी दुनिया तो केमिकल से ही बना हुआ है राइट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, organism हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तो नहीं होते नॉन लिविंग सब्सटेंस हो ठीक है सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है क्योंकि उनको वर्क नहीं करना है और एनर्जी प्रोड्यूस करके कुछ फायदा नहीं है मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है

और ऑब्वियसली वो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस भी नहीं है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं लाते हैं मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस रिएक्शन cellular organization of the body is the defining feature of life forms. perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or everyone uh, environment and respond to these environmental stimuli which, which could be physical, chemical or biological. we sense our environment through our sense organs. तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े ग्रोथ हुआ फिर रिप्रोडक्शन हुआ रिप्रोडक्शन होने के बाद हम लोग देखे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम ही होता है काइंड ऑफ ठीक है इसके बाद हम लोग आगे मेटाबॉलिज्म में जो पता चला कि मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो यूनिसेलर हो मल्टीसोलर हो कुछ भी हो है ना और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक डिफाइनिंग फीचर है

मेटाबॉलिज्म तो हम लोगों के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ताकि हम लोग परफॉर्म कर पाए वर्क कर पाए कुछ भी कर रहे हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही हो रहा है ये ठीक है ये तो पहली बात है दूसरी बात कॉन्शियसनेस का बात है आप कहाँ हो आप क्या कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं आपको इस टाइम में मतलब सपोज सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो तो हम लोग के अंदर है ह्यूमन बींग्स के अंदर वी आर वेरी लकी टू रिसीव दैट और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी सेंस होती है उनमें कॉन्शियसनेस होती है ठीक है सब कॉन्शियस वगैरह सब कुछ हमारे अंदर होता है और कॉन्शियसनेस वगैरह बाकी के जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में होता है इसीलिए फियर फाइट फ्राइट फ्लाइट ये सब मोड उनमें भी होती है ठीक है कहाँ शिकार है किस तरफ है किस तरफ जाना है किस तरफ मूव करना है प्लांट हो या एनिमल हो एवरी पर्सन नाउ We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, okay. etc. All organisms, from prokaryotes to the most complex eukaryotes, can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. तो फोटो पीरियड uh, क्या होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्लांट को जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर लाइट एक्सपोजर की जरूरत होती है ठीक है वो प्लांट के लिए भी होती है एनिमल्स के लिए भी होती है तो आप कितने टाइम के लिए लाइट एक्सपोजर ले रहे हैं टेम्परेचर क्या है ये सारे के सारे चीज डिपेंड करता है कि हाँ आपके रिप्रोडक्शन या तो फिर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये आ, ये सब हम लोग बाद में और भी पढ़ेंगे तो फोटोपीरियड एफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स तो मेन जो का जो फंडा है वो यही है कि वी ऑल आर अवेयर ऑफ़ आवर सराउंडिंग्स हमारे आसपास क्या, क्या नहीं चल रहा है, have, है? हम में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे किस चीज में भला होगी भला बुरा सोचने का जो दिमाग है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिया गया है एंड दैट्स वी आर सेल्फ कॉन्शियस नाउ वेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स व्हिच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स देश अदरवाइज ब्रेन डेड द पेशेंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस है दे कैन थिंक अबाउट की हमको अभी पढ़ाई करनी चाहिए या तो फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल करनी चाहिए राइट क्योंकि एग्जाम पचास दिन में होने वाला है सो so नाउ नहीं मेहनत की है तो और पचास दिन तो कर ही लेते और अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे दो साइड दिखने के लिए मिलेगी एक बच्चा होगा जो बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी पचास दिन है वी कैन डू इट ठीक है बायो में अच्छे से मार्क्स लाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे तो भी चलेगा लेकिन इसको ठीक से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटेज होती है और तीसरा जो बंदा होगा वो सोचेगा कि यार पूरा साल तो पढ़ा ही नहीं है पचास दिन में क्या ही उखाड़ लेंगे तो छोड़ ही दो चिल मारते हैं ठीक है तो ये था अलग अलग कैटेगरीज तो ये था सेल्फ कॉन्शियसनेस ठीक है कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं लेकिन जो इंसान ब्रेन डेड हो गया है या तो फिर कोमा में चला गया है वो तो ये सब सोच, सोचेगा नहीं ना क्योंकि उसका ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे वेदर वी शुड कॉल हिम और नॉन लिविंग तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है हालांकि वो लिविंग ही होगा मतलब जिंदा तो है राइट नाउ इन हायर क्लासेज यू नो अच्छा वट एवर यू नो नाउ नेक्स्ट लाइन इज Properties of tissues are not present in the constituent of the cell, but arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituents of the organelles, but arise as a result of interaction among the molecular components comprising of the organelles. These interactions result in emergent प्रॉपर्टीज़ एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो इतना कुछ लिखा है इसका मतलब यही है कि बहुत सारे जो टिश्यूज़ के प्रॉपर्टीज़ होता है वो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन के थ्रू होती है अलग अलग सेल के टाइप के इंटरेक्शन के थ्रू होती है ठीक है जो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं उनके वर्क में ये पर्टिकुलर टिश्यू ये काम करता है ये इसका फंक्शन है या तो फिर ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी देता है तो ये एक सेल्स के अलग अलग अरेंजमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है राइट वो सेल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो के टिश्यू बनाता है फिर वो टिश्यू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होके ऑर्गेन बनाता है फिर वो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके क्या बनाएगा ऑर्गेन सिस्टम फिर एक बॉडी बनता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो जो सेल है जो एक एक सेल जो टिश्यू बना रहा है ऑर्गेनाइज होके उस सेल के भी ऑर्गन है वो भी बहुत अच्छे से एकदम कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज होते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन में पूरा बॉडी फंक्शन करता है अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तभी डिजीज आती है राइट तभी रुकावट आती है झंझट आती है बहुत कुछ होती है ना

and self regulating interactive systems capable of responding to external stimuli to hum log yahan pe bahut hi acha ek line bola gaya hai ki living organism kya hote hain self replicating hote hain theek hai self evolving hote hain और इसके साथ-साथ यहाँ पे self regulating interactive systems capable of responding to the external stimuli ये सब उनका होता है ठीक है सो दे हैव ऑल दिस कैटेगरी टू चेंज जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेज नॉन लिविंग सब्सटेंस में हम लोग नहीं देखते हैं राइट ऑल दिस कैटेगरी आर टोटली डिस्टिंक्ट एंड इट डिफरेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर

और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं सिर्फ एन ही फोकस कर रही हूँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एन के साथ साथ मैं कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँ इसके साथ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है तब तक के लिए ऑल द बेस्ट पढ़ते रहिए अच्छे से और लेक्चर्स और भी आ रहे हैं उसको अच्छे से देखिए कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी एनी टाइम आई विल बी देयर टू हेल्प यू ओके बाय थैंक यू